हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आप सब कैसे हैं? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, राइट? यस, गुड आफ्टरनून मुस्कान। चलिए आप सब जल्दी से आ जाइए, और जितने लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज वो शेयर करें। यस, हेलो विनोद। यस ब्रिजेश पांडे, हेलो, गुड आफ्टरनून सौरभ राजपूत। नहीं नहीं लेट कुछ नहीं हुआ है, मैं एज इट इज टाइम पे आई हूँ, 10-15 मिनट तो होता ही है। ओके, यस, गुड आफ्टरनून, यस यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज जो टॉपिक हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो है रेजोल्यूशन मिनट। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि ये रेजोल्यूशन और मिनट होता क्या है। ठीक है, ये मीटिंग में क्यों जरूरी था, और ये वर्ड्स जो होते हैं हमें मीटिंग में सुनने को मिलता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग बैठता है तो हमें ये वर्ड सुनने में आता है कि रेजोल्यूशन पास हुआ है। क्या पास हुआ है? रेजोल्यूशन पास हुआ है, मिनट में ये मिनट ये आया है। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स हम लोग सुनते हैं। अब ये सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए, और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाइए, उसके बाद हम लोग रेजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, गुड आफ्टरनून। ओके, सो रेजोल्यूशन, देखिए रेजोल्यूशन को सिंपल से हम लोग समझेंगे। रेजोल्यूशन इतने ये जो सो देखते हैं इंग्लिश में कुछ होता है वर्ड्स और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, तो रेजोल्यूशन को आप सिंपल अगर मैं एक वन लाइन में अगर आपको समझाना चाहूंगी ना, तो बोला जाता है डिसीजन। ठीक है, एक लाइन में अगर आपको रेजोल्यूशन समझा जाए तो सीधे सीधे डिसीजन। अगर यहाँ पर मीटिंग बैठी है, ठीक है, ये सपोज दीजिए ये हमारा मीटिंग टेबल है, ठीक है, यहाँ मीटिंग बैठी है इस रूम में, इस मीटिंग बैठी है तो डिस्कशन, लॉट्स ऑफ डिस्कशन होंगे, बहुत सारे डिस्कशन होंगे, उस डिस्कशन के बाद एक मुद्दे पर आएंगे, है ना, एक मुद्दे पर सब लोग आता है, डिसीजन भी आता है एक मुद्दे पर आता है। तो जो एक मुद्दे पर आता है और जो डिसीजन आता है, ठीक है, कि ठीक है कंपनी के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, जो फाइनल डिसीजन आता है उसी को ही हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। ओके, यस, फर्स्ट ईयर की क्लास कब से होती है? देखिए फर्स्ट ईयर की क्लास ये तो कम्युनिकेशन यूट्यूब पे चलती है, और बाकी सारे क्लासेस ऐप पे चलती है, तो उस वो सारे क्लासेस को आपको करने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप उससे बात कर लीजिएगा तो हो जाएगा। यस, गुड आफ्टरनून श्रीशांत। यस, एंड हाँ, मैं बोलूंगी स्टिल जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए वीडियो को। ओके, यस, रेजोल्यूशन समझ में आया सभी को कि रेजोल्यूशन क्या होता है? एक डिसीजन होता है, ठीक है, जो डिसीजन कब आता है? मीटिंग के ड्यूरेशन में आता है। ठीक है, जब मीटिंग बैठा है, आप जितने भी कमिटीज बैठे एक फाइनल डिसीजन देते हैं, उसी को ही, उसको डिसीजन ना बोल के क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन पास हुआ है। ओके, अब देखिए, यस, ऐप का नाम यूनिक ग्रुप। ओके, अब देखिए, रेजोल्यूशन इज अ फॉर्मल डिसीजन मेड एट द मीटिंग। ठीक है, क्या है? एक फॉर्मल डिसीजन, ठीक है, क्या है? फॉर्मल डिसीजन। फॉर्मल डिसीजन मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर्मल डिसीजन मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, फॉर्मल डिसीजन होता है जो ऑफिशियल होता है, जो ऑफिशियल, ठीक है, जो ऑफिशियली सिस्टमैटिक वे से फॉलो किया जाता है, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल बोलते हैं। तो इस तरह से बोला जाता है कि कोई भी अगर रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन एक फॉर्मल डिसीजन है, ठीक है, मेड एट द मीटिंग, मीटिंग में
जो पास हुआ है उसे। और एक बात बोला जाता है, इसे फॉर्मली इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मीटिंग में सिर्फ ये डिसीजन नहीं लिया जाता, चलो ठीक है किसी का बिल पास हुआ, ठीक है अगर मान लेते हैं मीटिंग का डिसीजन आया है, बिल पास हुआ है, ठीक है तो बिल पास हुआ है तो उसपे सब कुछ लिखा रहेगा कि कितने मेंबर्स ने सिग्नेचर किया है, ठीक है कैसे क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सी हुई, सब कुछ डिसीजन लिखा जाता है। तो उसके बाद एक फाइनल डिसीजन आता है जिसको हम लोग रेजोल्यूशन बोलते हैं। यस आपका एग्जाम राइट। देखिए अभी तक जितने टॉपिक्स मैंने कवर किया था, जितने भी किए थे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर इतने टॉपिक्स अगर आप कम्युनिकेशन में पढ़ के चले जाएंगे, होपफुली आपके कम्युनिकेशन में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और जितना स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने जो भी कराया है वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं से ही आता है, ठीक है। यस किशन एज यूजुअल आपका गुड मॉर्निंग। ओके आप देखिए रेजोल्यूशन समझ में आया। द बिजनेस कंपनी इज अ जनरल मीटिंग इज डन बाय द टू टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल। अब हम लोग जानेंगे कि ये स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होता है। वो हमेशा नहीं होता है कि कभी भी पास किया जाता है, एक सिचुएशन के हिसाब से पास किया जाता है, ठीक है। तो वो जो टाइप्स होते हैं रेजोल्यूशन का वो किस पर डिपेंड करते हैं, सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। ओके देखिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड द स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है दो ये दिखा। अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये स्पेशल एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। मोस्टली यस मोस्टली रेजोल्यूशन में क्या होता है, इस मोस्टली रेजोल्यूशन में क्या होता है कि आपको एक तो डेफिनेशन शॉर्ट से आप लिख सकते हो, पर मेनली अगर पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अरे मुस्कान आप कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में उसको उसे फोन करके पूछ लीजिएगा कि सेकेंड ईयर का सॉरी सेकेंड सेमेस्टर का क्लास कब से चलेगा। ओके यस और आप सब लोग यार वाचिंग बढ़ाओ, कुछ तो करो आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है एक ना जनरल मीन्स वोटिंग के बेसिस पर होता है, दोनों ही वोटिंग के बेसिस पे होता है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो स्पेशल हो, दोनों ही किस पर होता है, एक वोटिंग पर रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। वोटिंग तो सबको पता है कि वोटिंग क्या होता है ना। तो देखिए रेजोल्यूशन इज कंसिडर एज एन ऑर्डिनरी एट द ड्यूली कन्वे द जनरल मीटिंग, ठीक है। कब, जनरल मीटिंग, जब भी जनरल मीटिंग बुलाया जाता है हमेशा जनरल मीटिंग में किस टाइप का रेजोल्यूशन बनता है, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बनता है। द वोट्स कास्ट इन द फेवर ऑफ रेजोल्यूशन एंड एक्सीड द वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन बाय द मेंबर सो आइदर एंटाइटल्ड टू वोट। ओके यहां पर एक लाइन और देख लीजिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड अ नॉर्मल मेजोरिटी। बस यही लाइन है पूरा, ठीक है और कुछ है ही नहीं, नॉर्मल मेजोरिटी। जैसे कि जनरल मीटिंग बैठा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर कौन बनेगा, अगर किसी डायरेक्टर को करना है कि अच्छा डायरेक्टर का कोई पोस्ट है, मान के चलते हैं डायरेक्टर का कोई पोस्ट है और जो डायरेक्टर का पोस्ट अभी वैकेंट है खाली है, ठीक है, तो उसको फुलफिल करने के लिए एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा, है ना। तो वो जो मीटिंग बुलाना पड़ेगा तो मेंबर्स आएंगे, जितने भी कंपनी के मेंबर्स है वो सबके सब आएंगे मीटिंग में, तो जो सबके सब आएंगे तो उसी को ही बोला जाता है जनरल मीटिंग, ठीक है। आएंगे तो सब लोग वोटिंग करेंगे कि कौन बेस्ट है, कैंडिडेट भी खड़े होंगे, ठीक है, एक दो तीन कैंडिडेट है, सब वोट करेंगे और जिसका वोट ज्यादा आएगा, ठीक है, मेजोरिटी के हिसाब से जिसका वोट ज्यादा आएगा वो बनेगा डायरेक्टर, तो उसी को ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोला जाता है। ओके जी हाँ मुस्कान क्लास 1 बजे से ही होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन का क्लास आप 1 बजे से आपको यूट्यूब में मिलेगा, ठीक है, यूनिक ऑनलाइन गुरु पे चैनल।
ओके यस। इतने समझ में आ सबको, सबको समझ में क्लियर हुआ कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है? एक जनरल रिजोल्यूशन होता है, एक जनरल रिजोल्यूशन होता है जो कि किस पर डिपेंड करता है, मेजोरिटी पर डिपेंड करता है, नॉर्मल मेजोरिटी। जिसका ज्यादा वोट आया तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। जैसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट आया कि डायरेक्टर के लिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं अच्छे, और इनमें वोटिंग होगा कि कौन बेस्ट कैंडिडेट होगा, तो उसके लिए वोटिंग करवा दिया जाता है, और जिसका ज्यादा वोट आएगा वो डायरेक्टर बन जाएगा। तो उसको किस टाइप का रेजोल्यूशन बोलते हैं, उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलते हैं। तब एक पास होता है कि ये पर्सन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से डायरेक्टर बना है कंपनी का। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो ये जितने भी आपको देख रहे हैं ना 1-8 पॉइंट, ठीक है, ये सारे के सारे मुस्कान, ठीक है। देखो ये जितने भी 1-8 पॉइंट है, ये सारे के सारे किसके पार्ट है, जनरल सॉरी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। ये सारी कंडीशन में एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होता है, ठीक है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन का केस अलग होता है, वो भी हम लोग अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे कहते हैं अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होता है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है, ठीक है। कोई भी लीगल रिपोर्ट होता है जो कि कंपनी अगर कहीं से कोर्ट से बनवा कर लेकर आती है और उस पर अप्रूवल करवाएगी अपने मेंबर्स के, तो उसके लिए वोटिंग होगा कि कोई ये चाहता है या नहीं चाहता है, ठीक है। मेजोरिटी जो होगा वैसा बनेगा, तब उसे अप्रूवल मिलेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है? एक नॉर्मल वोटिंग पर, मेजोरिटी पर, ओके। उसके बाद आता है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने अभी एग्जांपल से बताया, अगर डायरेक्टर का अगर इलेक्शन करवाना है कि ठीक कौन डायरेक्टर बनेगा, तो उसके लिए भी एक नॉर्मल वोटिंग होगा, जिसका जितना ज्यादा वोट रहेगा वो डायरेक्टर बनेगा। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड आप सब जानते हो डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। डिविडेंड जो होता है उसके लिए भी डिक्लेरेशन होगा कि कितने 5%, 2%, कितने परसेंट डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है। वो सारे एक वोटिंग के थ्रू होता है, ठीक है, ये सारे के सारे। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर डायरेक्टर्स, द प्लेस ऑफ द रिमूवल वन, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, सेल्स ऑफ होल पार्ट ऑफ द कंपनी अंडर टेकिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है, बोरिंग ऑफ मनी अबव एंड पेड अप कैपिटल, ओके। ये सब जितने 8 पॉइंट्स है किसका पार्ट है, ये सब, ठीक है, ये सब किसका पार्ट है, ये सब एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का पार्ट है। मेरी तरफ से तो कोई नेट प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिए शायद आपके साइड से होगा, ओके यस। यस यस, गुड आफ्टरनून। एंड स्टिल मैं बोलूंगी फिर से, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं किए वो लोग लाइक जरूर कर दें। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, अब ये देखते हैं। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हम लोग समझ गए थे, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हम लोग समझ गए थे क्या होता है ना। अब जानेंगे स्पेशल, स्पेशल नाम ही आया तो मतलब उसमें कुछ तो स्पेशलिस्ट होगा कि जिससे कि हम लोग उसका नाम रख दें स्पेशल रिजोल्यूशन। यस, इसमें कुछ कंडीशन होता है कि उस कंडीशन को फुलफिल किया जाएगा तभी जाके इसे हम स्पेशल रिजोल्यूशन का नाम देंगे, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है, तो इसमें भी वोटिंग होता है, इसमें भी क्या होता है, वोटिंग होता है, पर वोटिंग मेजोरिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मेजोरिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड किस पे, एटलीस्ट 3 टाइम, मतलब कि 75% ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर 75% मेजोरिटी नहीं होगा तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, और इसे हम स्पेशल रेजोल्यूशन का नाम नहीं देंगे, सिंपली इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है द 75% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द वोट रिजॉल्व, दैट इज द 3/4 ऑफ द टोटल वोट कास्ट बाय अ पर्सन, ओके, मीन 75%, ठीक है, 75% वोट चाहिए ही होता है किसके लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% वोट्स नहीं है तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओके, यही कंडीशन होता है। और हाँ,
एक बात और, जब भी मीटिंग बैठती है ना, जितने मेंबर्स को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, तो उन्हें पहले से डिक्लेयर करवा देना पड़ता है कि कैसे किस टाइप का रिजोल्यूशन होगा, ठीक है, जनरल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन किसी चीज के लिए बैठ रहा है तो उन्हें पहले से बताया जाता है, क्योंकि आप सहमत हैं कि नहीं, पहले से एक किया जाता है कि सबकी सहमति मानी जाती है कि हाँ ये रेडी है, तभी जाके कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी अगर अपना नाम बदलना चाहता है, ठीक है, अगर ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अगर कोई ABC लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, वो अब अपना नाम हटाना चाहती है ABC लिमिटेड से, वो क्या करवाना चाहती है, XYZ लिमिटेड करवाना चाहती है कंपनी का नाम, ठीक है। तो आपको ही पता है कि एक कंपनी का नाम चेंज करने में बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। उससे पहले पर क्या होता है, कंपनी के जितने मेंबर्स हैं उनसे पूछा जाता है, तो पूछने के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना होगा, तो वो मीटिंग में ही पहले बता देते हैं कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कि जो 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 मेंबर जितने मेंबर आ रहे हैं उन सबको अपनी ये सहमति देना है, ठीक है, उनको पहले से कंसिडर कर, तभी जाके 75% वोट्स होंगे, तभी उसे हम स्पेशल रेजोल्यूशन बोलेंगे, ओके। ये सबको स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्लियर हुआ, प्लीज कमेंट थ्रू मुझे बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम लोग ने ऑर्डिनरी में कुछ देखा था कि जो रेजोल्यूशन थे तो उसको कुछ पार्ट्स से क्या क्या आते हैं, ठीक है, तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन में ये पार्ट्स से जो आते हैं, ठीक है, change the name of the company, alteration of the article of associations and reducing the capital, ये सारे के लिए क्या होता है, पूरा का पूरा सहमति चाहिए, आधा अधूरा सहमति नहीं चाहिए, पूरा का पूरा, और 75% का मतलब होता है कि मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं, इसे तभी जाकर उसे हम नाम देते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, ओके। तो ये जितने भी सारे कुछ आप लोग देख लीजिए, यस सचिन, ओके ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेजोल्यूशन पढ़ा, ठीक है, तो मीटिंग क्या, अभी मीटिंग के दौर में हम लोग कितना क्या क्या कवर कर लिए हैं, ठीक है, देखो मीटिंग पहले तो हम लोगों ने मीटिंग का वर्क कवर किया था, है ना, मीटिंग का फिर टाइप्स देखे थे, कितने टाइप्स के मीटिंग होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे सोर्सेज, देखे थे किस तरह से मीटिंग में ये सारे जितने भी थिंग्स होते हैं वो सब जरूर, जैसे कि रिजोल्यूशन हुआ, ठीक है, रिजोल्यूशन भी जस्ट पढ़े, फिर मिनट, ठीक है, और भी कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट्स हैं जो कि मीटिंग में ही जरूरी होते हैं, ठीक है, वो सब का सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे, यस, ओके। तो अब हम लोग जानेंगे मिनट, मिनट होता क्या है, ठीक है, ओके, देखो मिनट क्या होता है, मिनट होता है, जैसे कि मैंने रिजोल्यूशन के एक सिंपल वर्ड में बता दिया कि जो डिसीजन लिया जाता है मीटिंग में उसी को ही रिजोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है, और मीटिंग मिनट जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, क्या होता है, रिकॉर्ड, और कब रिकॉर्ड किया जाता है, ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है, मीटिंग के समय जब भी मीटिंग बैठती है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है ना, एक मिनट भी बनता है, मतलब कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, ठीक है, क्या क्या डिसीजन लिया गया, ठीक है, कौन कौन मेंबर फेवर में थे, कौन कौन मेंबर फेवर में नहीं थे, ये सब का सब रिकॉर्ड होता है, और जो रिकॉर्डिंग होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, ठीक है, देखो मिनट आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्ट एंड द डिसीजन हेल्ड इन डिसीजन टेकन एट द मीटिंग, ठीक है, मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है, ठीक है, और जो जो भी मिनट लिया गया है, मतलब सॉरी नोटा, जो भी डिसीजन लिया गया है, ठीक है, और कैसे डिसीजन को मीटिंग में डिस्कशन हुआ, ये सारे को एक रिकॉर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको हम लोग मिनट बोलते हैं, ठीक है, थीके? तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिनट क्या है, एक बोलो, सिंपली से आप बोलना एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि ये मीटिंग बैठा था,
और इस मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ है, ठीक है, क्योंकि मीटिंग में सब लोग तो नहीं बैठ सकते हैं, है ना, कंपनी के सब लोग तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि कंपनी में थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज एक मीटिंग में नहीं बैठते, सबके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, है ना, तो रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे तो क्या होता है कि सबको जानना होता है कि रिपोर्ट में आया क्या है, मतलब कि मीटिंग में आया क्या है, तो ये मिनट के थ्रू सब जानते हैं कि मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ है और ये रिजल्ट निकला है, ओके। और देखा जाए यहाँ पे कंटेन द मेन पॉइंट ऑफ डिसीजन कंक्लूजन एंड द रीच द रिकमेंडेशन, ठीक है, ओवरऑल क्या मतलब क्या आप जानना चाहोगे कि मिनट में लिखा क्या जाता है, देखो मिनट में बस कुछ नहीं, जो जो मेन पॉइंट होते हैं, ठीक है, सारे जो मेन मुद्दे होते हैं जिस मुद्दे पर बहस होती है या फिर उस टॉपिक पर डिस्कशन होता है वो लिखा जाता है, और कंक्लूजन कि आप आया क्या रिजल्ट आया क्या, ठीक है, और रिकमेंडेशन करना क्या चाहिए, तो ये प्रॉब्लम हुआ है अगर, ठीक है, ये होने से क्या होगा, अब उसका सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए, है ना, तो आपको भी पता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यस मुस्कान सही बोल रही हो, ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ, मिनट, अब हम लोग मिनट के कुछ और टर्म्स देखते हैं, ये काइंड्स, अब देखो मिनट्स के कुछ काइंड्स होते हैं, ठीक है, मिनट्स के काइंड होते हैं, एक होते हैं मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन, ये क्या होता है मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन और मिनट्स ऑफ नरेशन, ठीक है, ये या फिर मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन बोलो या फिर मिनट्स ऑफ नरेशन बोलो या फिर दोनों बोलो, ठीक है, यही काइंड होते हैं, ठीक है, हमें जानना है कि मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है और मिनट्स, ठीक है, मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन और नरेशन, ठीक है, ये क्या होते हैं, सिंपल से समझने के लिए ना कुछ नहीं करना है आपको, बस ये समझ जाओ जो रिजोल्यूशन होता है मतलब एक फाइनल डिसीजन, ठीक है, जब भी आपको कोई मिनट देगा, ठीक है, तो मिनट पे लिखा रहता है कि वो मिनट किस टाइप का मिनट है, या मिनट बोथ है, दोनों है, रिजोल्यूशन और नरेशन दोनों है, या फिर रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन है या फिर नरेशन है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, ये काइंड्स है, हाँ सारी क्लासेस है, ठीक है, BCA की आपको कॉन्टेक्ट नंबर जो है ना उसमें आप एक बार फोन कर लीजिए, तो ये दो टाइप के हो गए, अब हमें जानना है कि मिनट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, मिनट ऑफ रेजोल्यूशन, देखो रेजोल्यूशन को मतलब बताई थी मैं, जो डिसीजन होता है, ठीक है, जब भी कोई फाइनल डिसीजन आएगा, मतलब कोई भी डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं बताया गया है क्या क्या हुआ है, मतलब कोई भी ब्रीफ डिस्कशन आपको नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको बता दिया गया है कि ये रिजल्ट आया है, ठीक है, ओनली रिजल्ट अगर बता दिया तो उसे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, उसे हम कंसिडर करेंगे कि मिनट ऑफ द रेजोल्यूशन, ये क्या है, किस टाइप का मिनट है, मिनट ऑफ द रेजोल्यूशन, उसमें सिर्फ आपको फाइनल रिजल्ट बताया जाता है, बट अगर दोनों हो, रेजोल्यूशन भी हो और नरेशन भी हो, दोनों एक साथ हो, तो उसमें क्या होता है ना पूरा डिटेल बताया जाता है, ठीक है, कि इतने मेंबर्स बैठे हुए थे, इस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ है, ठीक है, और ये आर्गुमेंट पेश हुए हैं, उसके बाद जाके ये रिजल्ट आया है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिनट ऑफ रेजोल्यूशन प्लस मिनट ऑफ नरेशन, सबको ये क्लियर हुआ, ठीक है, देखिए मिनट ऑफ द रेजोल्यूशन इज ओनली डिस्कस द रेजोल्यूशन अराइव्ड एट मीटिंग एंड रिकॉर्डेड, दे ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ रिसॉल्वड, ठीक है, मींस जहां पे रिसॉल्व लिख गया सिर्फ ओनली यही है फाइनल रिजल्ट, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू से बताया गया है कि एक मिनट निकला है जो कि मिनट किस टाइप का है, मिनट ऑफ रेजोल्यूशन है, तो वो क्या है, इट रिसॉल्व बाय द रिजाइनेशन ऑफ ललित मोहन एक्सेप्टेड ऑन इतना, मतलब जो ललित मोहन है उनका रिजाइनेशन एक्सेप्टेड हो चुका है, तो किस टाइप का मिनट हुआ, एक रिजल्ट फाइनल रिजल्ट बता दिया गया, अब वो क्यों रिजाइन किए, कैसे रिजाइन नहीं किए, अगर वो सारा डिटेल देते तो उसको हम लोग क्या बोलते, मिनट रेजोल्यूशन प्लस नरेशन,
ओके राजेश सिंह, बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास चलता है? यस, ये कौन सी क्लास चल रही है? ये बिजनेस कम्युनिकेशन की ही क्लास चल रही है। आप कहाँ थे? ठीक है, ये समझ में आया? रिजोल्यूशन रहेगा तो ओनली रिजल्ट, रेजोल्यूशन प्लस नरेशन रहेगा तो क्या होगा कि पूरे डिटेल में बताया जाएगा। ओके, आई होप दैट आपको ये क्लियर हो गया है काइंड्स। यस मुस्कान, यार एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दो जो लोग देख रहे हैं। आप लोग को अपने से लाइक कर देना चाहिए, है ना? यस, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है? ठीक है, यस सॉरी, बिजनेस इकोनॉमिक। यस, बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्लास आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा कब चलता है। ओके ठीक है राजेश सिंह, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। अब हम जानेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन आप लोग सब जानते हो क्या होता है ना? कम्युनिकेशन होता है जैसे कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होते हैं उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कॉर्पोरेट होता है मीन्स जो भी कम्युनिकेशन कहाँ होती है, कंपनी में, बिजनेस में या किसी एंटरप्राइज में। ओके, ये सारी जगह मतलब बिजनेस के एरिया में जो बातचीत होती है, चाहे इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। इनवर्ड क्या होगा? इनवर्ड होगा कि कंपनी के अंदर, आउटवर्ड होगा बाहरी से। बाहरी कौन होते हैं? सप्लायर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। इनसे जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो उसे किस टाइप का कम्युनिकेशन बोलते हैं? उसे हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन का क्लास तो मैं ही ले रही हूँ, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का क्लास आपको पूछना पड़ेगा। ओके, आप पूछिए उसके बाद। ठीक है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आपको शॉर्ट में समझ में आया, आप लोग डिटेल में देखते हैं उसको। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है किसका? कम्युनिकेशन का, और वो क्या एक्सचेंज करता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कहाँ एक्सचेंज करता है वो हमें जानना है। अलोंग विद द ट्रांसमिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब इंफॉर्मेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग भी होता है। अमोंग द इंटरनल ग्रुप एंड एक्सटर्नल पार्टी हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशन विथ हिज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस। यस साइलेंट नाइट, हाय गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये समझ में आया कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक टाइप का कम्युनिकेशन होता है जो आपको फैसिलिएट करता है किस टाइप का? मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और कहाँ पर होता है? एक इंटरप्राइज में होता है, और किस टाइप के? चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। ठीक है, ये सारे सर्कमस्टांसेस आपका क्या होता है? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन यूज होता है। जब भी बिजनेस का, कंपनी का कम्युनिकेशन का बात होगा तो हमेशा यही आएगा, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ओके, ओके हो गया। अब देखते हैं कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वेरियस इंटरनल पार्टीज, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज। अगर पूछा जाए जैसे कि दो टाइप के होते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन आते हैं? जो कंपनी के अंदर के लोग रहते हैं उन्हें हम इंटरनल बोलते हैं। और जैसे कि एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो मैनेजमेंट देखते हैं, और एम्प्लॉयज जो काम करते हैं। एंड द वेरियस एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी के लोग हैं। बाहरी के लोग से भी तो काम होता है कंपनी को। इंडिविजुअल हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशन with the enterprise, such as the investor, supplier, partners and the government agencies. ये सारे क्या हैं? ये सब example हैं। किसके हैं? Corporate communication के। Okay? तो किसकी क्लास चल रही है? मतलब ये बात होता है कि रामायण खत्म हो गया, पूछोगे सीता कौन है? ये कम्युनिकेशन की क्लास चल रही है।
यस पंकज, मैंने आपको बता दिया कि कम्युनिकेशन की क्लास चल रही है। ओके, अब आई होप दैट कि आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन समझ में आ गया है। ठीक है, आप अगर आपको समझ में आ गया कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, तो आप एक कमेंट सेक्शन में अपने वर्ड्स में लिखकर बस मुझे भेज दीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब द फीचर्स देखेंगे किसका, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का। ठीक है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का फीचर्स क्या क्या होता है। ठीक है, हर चीज का फीचर्स जानना पड़ता है, और फीचर्स नहीं जानेंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो फीचर्स को भी देखेंगे। फर्स्ट फीचर्स बोलता है, इट कम्युनिकेट ऑफ द इंटरप्राइजेस विद द इंटरनल पार्टीज एंड एक्सटर्नल पार्टीज हैविंग द डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट रिलेशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर एक कंपनी है। ठीक है, और एक कंपनी हम लोग किसी का प्रोडक्शन का ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वो किसका ऐड कर, जो चिप्स का ऐड कर रही है। ठीक है, लेस का, वो लेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, क्या बनाती है, लेस। ठीक है, लेस का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, अब वो तो करती अपने अपने मेंबर्स को बोली, ठीक है, कि हमें इस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना है। ठीक है, उनसे कम्युनिकेट की, जो अब मेंबर से कम्युनिकेट की, तो उसे हम क्या बोले, उसे हम इंटरनल पार्टीज बोले। ठीक है, एक्सटर्नल पार्टीज होते हैं किससे, जो क्या करते हैं, आउटसाइडर, मतलब कि सप्लायर। ठीक है, जो भी सप्लायर होते हैं वो, और उसके बाद कौन होते हैं, कंज्यूमर। ठीक है, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन इसलिए क्योंकि वो तो गुड्स बनाते हैं, इनसे बोलेंगे तभी ना वो हमारे तक लेकर आएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जाके सीधे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही खरीद लेते हैं, नहीं ना, हम लोग किसे करते हैं, रिटेलर शॉप से खरीदते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक इंटरनल और जो एक्सटर्नल बॉडी, उनमें डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो इससे क्या होता है, काम भी जल्दी हो जाता है, वो लोग कम्युनिकेट करके अपना काम करवा लेते हैं। ठीक है, और देखा जाए एक कम्युनिकेशन और हमसे इंटरनल पार्टीज करती है, मीन्स कंपनी के लोग, थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको लगाइए आप, जो भी प्रोडक्ट का क्वालिटी होता है वो बताते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो ये भी, उसको भी हम लोग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ही बोलते हैं एक तरह से। वो हमसे, ठीक है, कंज्यूमर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आप देखते हैं, लाइक द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट द कम्युनिकेशन एम इज नॉट टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बट द ट्रांसमिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, अपना तो जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो करते हैं, और प्लस अंडरस्टैंडिंग भी होता है। अगर कोई कंपनी का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है जो कि सप्लायर को दे रही है, तो उसे कम्युनिकेट करती है अरे गुड्स को वहां लेके जाना, अगर वो उनके गुड्स को अगर नहीं समझती सप्लायर, तो कहीं और सेंड कर देती, है ना। तो कम्युनिकेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग भी होता है। कम्युनिकेशन इज जनरली एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू नो वेरी वेल, हमेशा पढ़ते हैं ये एक कम्युनिकेशन क्या, एक जनरल है, ठीक है, सिंपल वे है। मल्टी डायमेंशनल इन नेचर, चैनल एंड ऑडियंस। ठीक है, चैनल के थ्रू मतलब कि सप्लायर्स, ये सब क्या है, चैनल है, और ऑडियंस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट थ्रू से पब्लिक से बात करना, ये सारा कुछ अफेक्ट द मैसेज ने मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अपने मैसेज को पहुंचाने के बाद उनके पास बहुत टाइप के सोर्सेज हैं। इट्स इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ रिटन स्पोकन एंड द नॉन वर्बल मैसेज। ठीक है, तो वो सारे चीजें को यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं पर्पस। ठीक है, पर्पस क्या है, अब हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहला बात दिखाया जाता है
कॉर्पोरेट में से मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे से, जो कंपनी के बीच में होता है, ठीक है, जो कंपनी चाहे इनसाइड या आउटसाइड से कम्युनिकेट करती है उसे हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहते हैं। और मार्केटिंग में होता है जो मार्केट से रिलेटेड कम्युनिकेशन होते हैं उन्हें बोला जाता है। अब देखा जाए पर्पस, द पर्पस ऑफ द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज टू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग अमंग द मेंबर्स टू प्रमोट द हेल्थ रिलेशन, मतलब कि वो डेवलप करती है अपने कंपनी के अंदर कि लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो वो बहुत ही अच्छी हो। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी जब सोच किसी की अच्छी होगी तो अच्छे काम भी करते हैं, इसलिए विद द पब्लिक, ओके, एंड द वेरियस वेयर इज द पर्पस ऑफ द मार्केटिंग, ठीक है, इट इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बस एक ही पर्पस होता है, पर्पस क्या रहता है कि वो कस्टमर को प्रभावित करे, ठीक है, प्रभावित करे। जैसे कि फेयर एंड लवली के जब हम लोग देखते हैं एड तो उसमें इस तरह से दिखाया जाता है कि लोग अपने आप ही क्या होते हैं उस चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं और परचेस करने चले। वो तो कुछ बोलता नहीं है कि नहीं आप खरीद लीजिए आप खरीद लीजिए, वो तो सबके लिए एक सिंगल एडवर्टाइज करता है, पर लोग खुद से समझते हैं कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी है, जाके मार्केट से परचेस करते हैं। तो इनका मोटिव बस एक ही रहता है कि हमको कस्टमर को किसका मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, मुझे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। और बट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में सबको देखना पड़ता है, इनवर्ड और एक्सटर्नल पार्टीज दोनों पार्टी को एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग में लेके आ जाता है जिससे कि काम वो स्मूथली हो, ठीक है, ये दोनों का पर्पस होता है। अब आता है ऑडियंस, ठीक है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज द मेंबर ही एक्सटर्नल पार्टीज एंड इंटरफेस विद एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ, इसमें क्या होता है इंटरनल, ठीक है, और एक्सटर्नल पार्टी, ठीक है, जितने भी होते हैं उन सबको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करती है कि ताकि वो लोग अच्छे से बातचीत कर सके, ठीक है। चाहे आप देखे भी होंगे ना कि हम लोग ने फॉर्मल कम्युनिकेशन में पढ़ा था, ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये सारे क्या है, यही सब तो इंटरफेस है, ठीक है, कि सब एक दूसरे से जितना ज्यादा अच्छे से बात करेगा समझेगा तो काम उतना ही अच्छा और कॉर्पोरेट के साथ एक बिजनेस में होगा। और मार्केटिंग का सीधे सिर्फ एक ही फंडा होता है, वो उन्हें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, जो प्रोडक्ट बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जो कस्टमर को चाहिए, क्योंकि अगर सपोज मान के चले अगर कस्टमर को गोरा होना है तो ऑब्वियसली बात है फेयर एंड लवली का एड्स ज्यादा दिखाएंगे क्योंकि लोगों का मार्केट में यही डिमांड है ना। तो ये होता है ऑडियंस एंड रिस्पॉन्स। The response of the corporate communications is immediate, ठीक है, यहाँ से आपको response बहुत जल्दी मिल जाता है ना, कि जो भी अगर किसी अब lower level से बात कर रहे हैं और कोई up, जो upward के member जैसे कि manager एक employee से कुछ पूछे, अगर वो employee इनको तुरंत response कर देगा, अच्छे सर ऐसा सा हुआ है, ठीक है। बट एडवर्टाइज अगर मार्केटिंग में देखा जाए तो तुरंत तो फीडबैक मिलता नहीं है, सब लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे एक दो महीना करेंगे उसके बाद उसका कोई फीडबैक देते हैं। तो जल्दी रिस्पांस किस में मिलता है, जल्दी रिस्पांस मिलता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में एज कम्पेयर टू मार्केट कम्युनिकेशन, ठीक है, ये है रिस्पांस। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स देखते हैं कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का टाइप्स क्या होता है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का टाइप्स होता है, एक होता है इंटरनल कॉर्पोरेट्स और एक होता है एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में होता है जो कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर जो कम्युनिकेशंस होते हैं जैसे कि इम्प्लॉयज एग्जीक्यूटिव्स इन लोग के बीच की जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उन्हें हम इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन आर इज द कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये दोनों टाइप के होते हैं, फॉर्मल भी होते हैं और इनफॉर्मल भी होते हैं। अब देखते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल किस टाइप के होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर अथॉरिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी, ओके, मतलब ये जो कम्युनिकेशन होता है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो किस टाइप का होता है, एक अथॉरिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी, यस राइट, कैसे जैसे आपको भी पता है कि यहाँ पे टॉप लेवल है और यहाँ पे कौन है लोअर लेवल है,
इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगी एक ऑफिशियल टाइप की कम्युनिकेशन होगी, है ना सर मैम, ठीक है, उनके काम से रिलेटेड बात होगी और दुनियादारी की बातें तो वो करेंगे नहीं, तो जो भी ऑफिशियल बातें बातें करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल होता है कि समटाइम क्या होता है, गॉसिप भी होता है, र्यूमर भी होता है कि हाँ, ठीक है, एंड अदर इनफॉर्मल टॉक्स, ठीक है, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बात करो सिर्फ फॉर्मल ही बात करना है, इनफॉर्मल बात देते हैं, इम्प्लॉयज अपने में ही बात करते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो भी कुछ अपने घर की बातें करते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं, तो ये क्या होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। अब क्या होता है एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ठीक है, एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है जो कम्युनिकेशन आउटसाइड एक कंपनी करता है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी था कम्युनिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेस द एक्सटर्नल पार्टीज डायरेक्ट रिलेशन विद द इंटरप्राइज, ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टर्स सप्लायर ये सब क्या होते हैं, ये सब किस में आते हैं एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन्वेस्टर्स रिलेशन मैनेजमेंट, मतलब कि इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट के बीच के जो भी रिलेशन होती है, बातचीत जो भी होती है, ये सारे, ठीक है, पब्लिक रिलेशन, ठीक है, ये सारे जितने भी आप देख रहे कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट, ये सारे क्या है एग्जाम्पल्स है, ठीक है, एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के। ओके, तो आज हम लोग ने सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि एक मीटिंग में क्या क्या जरूरी है, ठीक है, रेजोल्यूशन भी कवर किए, मिनट्स भी कवर किए, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी किए। ओके, ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म होता है हमारा, ठीक है, कल हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे कम्युनिकेशन का। सो बाय एवरीवन।